जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये प्रोग्राम कश्मीर टूरिज़्म के ज़रिए इंतज़ाम हो रहा है। कश्मीर टूरिज़्म का मुख्तसर तारुफ़ करता चलूँ। कश्मीर टूरिज़्म CMC का बुनियादी मकसद चित्राल में सियाहत को फ़रोग़ देना है। वादी चित्राल तमाम तर कुदरती वसाइल से मालामाल है। अगर वादी चित्राल को कुदरत का अजीम शाहकार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। महफिल होंगे मुद्दतों बाद याद रहेगा कि कोई आया था। शुरकाए मशीस, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस पुरौनक महफिल के मकासद के साथ साथ मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए दावत देना चाहूँ। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब मलिक मेहर इलाही साहब और प्रोग्राम हमारे के ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर मोहम्मद अली मुजाहिद साहब, बाकी उनकी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने चित्राल के टूरिज़्म के हवाले से और लोगों में शूर बेदार करने के हवाले से, और इसके लिए मैं इस ऑर्गेनाइज़र टीम को और खुसूसन हमारे चूँकि यहाँ पर उसकी तारुफ़ किया गया कि वज़ीर आला मुशीर मलिक मेहर इलाही साहब जो हैं से जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़द की है इस प्लेटफार्म में इस स्टेज के थ्रू से, और तमाम हुकूमती हमारे जो इदारे हैं हमारे जो सूबाई फेडरल, चूँकि वैसे तो हम पूरी ज़िंदगी ये फरियाद करते और ये दुआएँ देते आ रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर हम उनकी नोटिस में लाना चाहते हैं कि चित्राल टूरिज़्म के हवाले से ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये कोई सुनी सुनी बातें नहीं है। अगर चित्राल को सही मानों में अगर उसके 10% को भी टूरिज़्म के हवाले से वहाँ तरक्की दी जाए, 10% भी उसके टूरिज़्म के वहाँ जो मवाक़े हैं, जो इलाके हैं, उसकी खूबसूरती है, उसकी जो जितने भी वहाँ के लेवल पर हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, हमारे लिए आमदनी इकट्ठा कर सकती है, और चित्राल जैसे पसमानदा इलाके में रोज़गार मुहैया हो सकती है, वहाँ के लोगों को एक रोज़गार के बहुत से रास्ते खुल सकते हैं, इस हवाले से। और मैं आज के इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे मेहमान आए हैं चित्राल कम्युनिटी की तरफ से, अपने ताजिर कम्युनिटी की तरफ से, उनका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और उनको खराज तस्लीम पेश करता हूं, और खराज तस्लीम के साथ उनको यहां आने पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वस्सलाम। मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मुअज्जिज़ मलिक मेहर इलाही साहब, हमारे साथ हमारे वालिद साहब के साथ काफ़ी उनका स्ट्रगल था, तो उनके समेत में जितने भी काबीना के मेरे सदर साहब, मेरे कमिश्नर साहब, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ और मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बात बहुत लंबी नहीं करेंगे, बहुत कम टाइम दिया गया है क्योंकि हमारे सर ने कहीं और भी जाना है मलिक साहब ने, तो मैं जितना अपने भाइयों का शुक्र अदा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे लिए यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए थे कीमती वक्त में, हमारे वकला, हमारे भाई सारे, चाहे वो किसी स्टूडेंट फेडरेशन से है, कोई तंजीम से है, कोई अखबार से है, सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ। हमारा मोटिव जो था चित्राल कल्चर और टूरिज़्म के हवाले से, तो हमारा चित्राल के टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए एक लाहेवर हमने मुजाहिद अली अपने भाई के साथ शुरू किया। हम चाहते हैं कि चित्राल में जितने भी हमारे सकाफती काफ़ी खूबसूरत इलाके हैं जिनके हम मतलब
देखा जाए, लोग आए, चाहे टूरिस्ट आते हैं, तो मतलब उन चीज़ों की अभी तक हमें अच्छे तरीके से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला हुकूमत की तरफ से। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी हमारे हुकूमत के फिलहाल हमारे साथ लोग मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ मिल के, जितने भी हमारे कल्चर के और तंजीम के और जितने भी लोग हैं, हम मिल के इस चीज़ को चित्राली, ये सब चीज़ें जो चित्रालियों में मौजूद हैं उसमें अखलाक में उनकी मिसाल नहीं है, सकाफत में उनकी मिसाल नहीं है, रवादारी में उनकी मिसाल नहीं है। तो इन चीज़ों में हमारे पीछे रहने की जो बुनियादी वजूहत है, अगर मैं ये गिला करूँ अपने जो अहबाब हैं, अपनी हुकूमतों से, अपने इदारों से, तो इसमें भेजा नहीं होगा कि अक्सर चित्राल को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, वरना चित्राल की सकाफत के लिए इतने छोटे प्रोग्राम करके, सेमिनार्स करके हमें ये चीज़ें दिखाने की नौबत ना आती। नामसाइल हालात में नाकाफी मसाइल के बावजूद ये पेशावर में आकर चित्राल को प्रमोट करते हैं, चित्रालियों को प्रमोट करते हैं, कल्चर को प्रमोट करते हैं। इसका फ़ायदा बेसिकली बुनियादी तौर पर सिर्फ चित्राल को नहीं।